प्रिय शिक्षार्थियों, आज की इस बातचीत में हम प्राथमिक शिक्षा की कुछ योजनाओं और परियोजनाओं पर बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और ठहराव, ये दो ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमारे देश को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। नामांकन और ठहराव की समस्या के साथ साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मामला था वह भी मुख्य मुद्दों में शामिल रहा, और अपने देश की प्राथमिक शिक्षा को की समस्याओं को ध्यान से यदि देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी एक जैसा चरित्र नहीं रहा है। क्षेत्रों के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहे हैं। समय समय पर प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं से निजात पाने के लिए कई तरह की परियोजनाएं चलाई गई। आप सब जानते हैं कि परियोजनाओं की एक उम्र होती है और उनके सामने एक खास चुनौती रखी जाती है जिसका समाधान करना उनका लक्ष्य होता है। ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में हम इसलिए आज जानना चाहते हैं ताकि हम यह जान सकें और सीख सकें कि किस तरह से हमने अपनी कुछ शिक्षाई समस्या का समाधान एक खास समय में एक खास रणनीति के तहत किया था। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव सिंह जी सहायक आचार्य हैं शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में, और हमारे साथ इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। आपका सादर स्वागत करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और यह जाना है कि अब हमारी जो प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं उसको किस तरह से समादृत किया जाए, उनका समाधान निकाला जाए, विशेष करके जो साखरशाला, लोक जुम्बिस, शिक्षाकर्मी या शिक्षा मित्र जैसे कुछ प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों के बारे में, उन परियोजनाओं के बारे में यदि आप हमारे शिक्षार्थियों को बताएं जी तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी आपका हमारे स्वागत के लिए और ये बताने के लिए कि इस देश में इतनी विविधताएं हैं कि हर एक राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, परंतु सबको शिक्षा मिले ये पूरे देश की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसलिए हर राज्य इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी ओर से प्रयास करता है। जैसे कि आपने कुछ योजनाओं की बात की, प्रत्येक राज्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज जिन दो चार योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद हमारे शिक्षार्थी अपने राज्य में इस तरह की कौन सी योजनाएं चली, वो कब चली, उनकी क्या भूमिका रही, क्या उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में योगदान दिए, इस पर वो और विस्तार से खोज कर पाएंगे और उनका भी मूल्यांकन करेंगे कि क्या उनके राज्य विशेष में जो योजनाएं चली वो किस हद तक सफल रहीं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एक बहुत प्रमुख और बहुत चर्चित योजना रही जिसको साखरशाला बोलते हैं, और साखर शब्द बेसिकली शक्कर से बना है। अच्छा। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ चीनी उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ बहुत चीनी मिले हैं, वहाँ गन्ने का उत्पादन भी बहुत होता है, और गन्ना वहाँ की प्रमुख फसलों में से एक है। उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख फसलों में एक है, महाराष्ट्र की भी प्रमुख फसलों में एक है। तो महाराष्ट्र में क्या होता था कि जब गन्ना काटने का समय आता था तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने परिवार के साथ ऐसी जगहों पर चले जाते थे जहाँ गन्ना काटा जाता था, छीला जाता था या चीनी मिलों में लादा जाता था। बिल्कुल। तो चीनी मिलों के आसपास का जो क्षेत्र होता था वहाँ जनसंख्या एक तरह से माइग्रेट कर जाती थी, विस्थापित हो जाती थी। तो वो लोग जो अपने गाँव को छोड़कर ऐसे स्थानों पर जाते थे उनके साथ उनके बच्चे भी जाते थे, और उन बच्चों की पढ़ाई उतने दिनों के लिए छूट जाती थी, क्योंकि जब वो 5-6 महीने बाद अपने गांव में वापस आते थे तब तक उनकी पढ़ाई काफी हद तक निकल चुकी होती थी। तो 2001 में महाराष्ट्र में जो गन्ना काटने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य था भौतिक विस्थापन के दौरान जो बच्चों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन हो रहा है अपने माता पिता के साथ, उस दौरान उनकी शिक्षा में सततता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, उनको सतत शिक्षा प्रदान, मतलब विस्थापन से उनकी शिक्षा पर कोई असर न पड़े। तो इस योजना की विशेषता यही थी कि साखर शालाएं पूरे वर्ष कार्य नहीं करती थी। अच्छा। ये केवल जो शैक्षिक वर्ष का उत्तरार्ध का हिस्सा होता था बाद, क्योंकि शैक्षिक वर्ष सब जगह लगभग अप्रैल में या जुलाई में शुरू होता है,
और गन्ना काटने का सीजन हम सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक चलता है, तो वो जो दौर था उस दौर में शाखरशालाएं चला करती थी, क्योंकि अक्टूबर में नवंबर में जब बच्चों के माता पिता जाते थे तो बच्चे अपने माता पिता के साथ विस्थापित हो जाते थे, 5-6 महीने तक बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे, और जब मार्च अप्रैल में बच्चे अपने गांव में वापस आते थे तब तक उनकी पढ़ाई वहां से छूट चुकी होती थी और कक्षा तब तक बदल चुकी होती थी या बदल भी नहीं होती थी तो उनकी पढ़ाई चुकी छूट जाती थी और जो शेष बच्चे होते थे वो उनके साथ मैच नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे कई बार पढ़ाई से उनका मन भी हट जाता था और वो पढ़ाई छोड़कर ड्रॉप आउट हो जाते थे। जो आपने बात कही कि ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा कारण था इस देश में बहुत सारी ऐसी योजनाओं के प्रारंभ होने के लिए, तो इसमें क्या हुआ कि ये उन बच्चों की सहूलियत के लिए साखरशालाएं विस्थापन की अवधि में चलती थी, लगभग 6 महीने चलती थी, अक्टूबर से शुरू होती थी और अप्रैल तक चला करती थी। इसलिए कई जगह कई किताबों में और कई रिसर्चर्स ने उनको सेकंड सेमेस्टर स्कूल भी कहा है। अच्छा, क्योंकि सेमेस्टर सामान्यतः 6 महीने का माना गया है, तो ये कहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर स्कूल होते थे और ये सेकंड सेमेस्टर स्कूल जो है ये चला करते थे। ये उन क्षेत्रों में चलते थे, उन क्षेत्रों के नजदीक चलते थे जहां पर गन्ने का काम या तो गन्ने के खेत बहुत आयत में थे या जहां पर चीनी मिलें बहुत बड़ी संख्या में थी, क्योंकि चीनी मिलों में भी कार्य करने वाले बहुत सारे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पूरे वर्ष चीनी मिलों के वर्कर नहीं होते, वो केवल उस निश्चित 6 महीने के लिए ही होते, चाहे वो तोलने वाले हों, चाहे वो ढोने वाले हों, चाहे वो उनको छीलने वाले हों, चाहे वहाँ फैक्ट्री में और साफ सफाई करने वाले हों, तो ऐसे लोगों के बच्चों की भी पढ़ाई छूट जाती थी। तो ये साखरशाला योजना एक बहुत सुंदर योजना थी और इस योजना ने उन बच्चों की पढ़ाई छूटने से बचा ली जिन बच्चों की पढ़ाई छूटने में उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल, बच्चों के माता पिता की मजबूरी थी, वो आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो उस दौरान उनकी पढ़ाई न छूटे इसको पूरा करने के लिए साखरशालाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत प्रभावी योजना थी और महाराष्ट्र में इसने बहुत हद तक अच्छा काम किया। तो मतलब भाई वे बच्चे जो छीजन का शिकार हो जाते सिर्फ इस कारण जिसमें उनकी गलती नहीं थी, उन बच्चों को इसने हमेशा मुख्य धारा में रखा। और मुझे लगता है कि एक निर्धारित समय था कि समय से ही चीनी उद्योग का काम शुरू होगा जी, तो ऐसे में उनके पास अपना एक निर्धारित कोई पाठ्यक्रम रहा होगा तो बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत नुकसान नहीं हुआ होगा जी। तो यह एक अच्छी पहल थी। और अब इसकी क्या स्थिति, अब तो साखरशाला की आवश्यकता में नहीं है वो? नहीं, अब तो उतनी नहीं है क्योंकि अब तो मार्जिनलाइज, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद ये कहा गया है कि जो विस्थापित बच्चे हैं उनको भी बराबर के स्कूल में प्रवेश कराना है, अब तो उसको ध्यान में रख लिया गया है, मतलब वो अब इस परिधि में आ गए हैं, कानूनन है। हाँ, मतलब साखरशाला की ये भी एक उपलब्धि हुई ना कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने के बारे में सोचा गया और आज वो मुख्य धारा के हिस्सा है। ऐसा ही एक प्रयोग राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का हुआ था, लोक जुम्बिस का, बहुत 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 प्रसिद्ध प्रयोग है लोक जुम्बिस का और बहुत पुराना प्रयोग है जी, जी। भारत में जब प्रयोग भारत में जब प्रयोग होने प्रारंभ हुए तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए। लोक जुम्बिस राजस्थान सरकार में 1992 में शुरू हुआ प्रयोग था और ये प्रयोग उनके लिए, उन्हें स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण जो था उससे मदद मिली, आर्थिक सहयोग उनसे मिला जी, जी। और उन्होंने उसको सभी के लिए शिक्षा के एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया जी, जी, जी। कि सभी को शिक्षा मिले, इसका एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और इसके जो लक्ष्य थे कि लोगों को औपचारिक माध्यमों से और जिनको औपचारिक माध्यम से शिक्षा नहीं मिलती, मतलब सीधे विद्यालय में जाकर जो नहीं पढ़ सकते उनको निरौपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा मिले, ताकि लोग एक केवल साक्षरता हासिल नहीं करें, एक फंक्शनल लिटरेसी, कार्यकारी साक्षरता हासिल करें। तो इसका उद्देश्य था लोगों को औपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों से कार्यकारी साक्षरता तक ले जाना, जिससे कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो पाए। तो ये बड़ी प्रसिद्ध योजना थी जो राजस्थान में शुरू हुई और इसमें मुख्य रूप से 4 चीजों पर जोर दिया गया। इसमें सबसे पहले जोर दिया गया बालिका शिक्षा और विकास पर, कि बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास तेजी से हो, सभी बालिकाओं को, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ सामाजिक रूढ़ियां ऐसी रही हैं पुराने समय में जो अब समय के साथ दूर हुई हैं, लेकिन हम इससे नकार नहीं सकते कि बहुत सारी सामाजिक बंदिशों और रूढ़ियों के कारण इस देश में बालिकाओं की शिक्षा कुछ समय के लिए प्रभावित रही। उसके अपने राजनीतिक, सामाजिक
या तत्कालीन कारण हो सकते हैं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये एक कट सत्य है कि इस देश में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति बीच में एक समय इस देश में ऐसा आया था जब बहुत बेहतर नहीं रही, और उस स्थिति में बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ी जितना कि पुरुष आगे बढ़े। तो उस स्थिति में राजस्थान सरकार ने इस योजना में पहला उद्देश्य यही रखा कि हम बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाएंगे, अधिक से अधिक बालिकाओं को इसमें शामिल करेंगे। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा। हमने देखा है कि बहुत जगहों पर क्या हुआ कि उनमें खाली लिटरेसी आ गई, उन्होंने अपना हस्ताक्षर करना सीख लिया, एक से दस तक गिनती सीख ली, तो वो पढ़े लिखे हो गए। नहीं, यदि किसी ने लिटरेसी हासिल कर ली है, साक्षरता प्राप्त कर ली है, तो उसके बाद भी उसकी शिक्षा में निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, सततता बनी रहे, इस पर काम किया जाए। लोक जुम्बस योजना का ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा था कि प्राथमिक शिक्षा का एक समुचित सुनियोजित सुसंगठित प्रबंधन तंत्र स्थापित हो। जी जी, एक उसका प्रबंधन तंत्र स्थापित हो जिसमें अलग अलग स्तरों पर लोग रहें और वो उसके पूरी भागीदारी करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण प्रयोग था लोक जुम्बिस में, वो था लोक जुम्बिस में जितने भी योजनाएं और जितने भी क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए उसमें जन भागीदारी पर बहुत महत्व दिया गया। पब्लिक पार्टिसिपेशन, सामुदायिक सहभागिता, इस पर बहुत बल दिया गया। ये लोक जुम्बिस के चार प्रमुख लक्ष्य थे जिन पर इस योजना ने काम किया। यदि हम इसके घटकों की बात करें तो इसके मुख्यतः तीन घटक थे, इसके और भी बहुत सारे घटक थे जिनकी बात करेंगे। सबसे पहला घटक था, इन्होंने पहली बार कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जो कार्यक्रमों को प्रारंभ कर सकें और उनका प्रबंधन कर सकें। जी जी। और उन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की। अच्छा, उन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की ताकि वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण कर सके। तो ये लोक जुम्बिस सरकार के भीतर रह के काम कर रहा था, राजस्थान सरकार के भीतर का राजस्थान का सरकार के ये साथ तो काम कर रहा था क्योंकि सरकारी योजना थी। अच्छा। लेकिन इसके लिए फंडिंग जो थी वो उनको स्वीडन से मिल रही थी। दूसरा क्या था कि इसमें इन्होंने एक और तंत्र विकसित किया जो था विद्यालयों की निगरानी का तंत्र। विद्यालयों की निगरानी का तंत्र विकसित हो जाए, विद्यालय समय पर खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, वहाँ शिक्षा अध्यापक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चे आ रहे हैं, इसका माइक्रो मैनेजमेंट इन्होंने किया, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म नियोजन। जी जी। तो माइक्रो मैनेजमेंट का प्लानिंग किया इन्होंने, इस स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट की व्यवस्था थी कि प्रत्येक बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कितनी प्रगति है, इसका उसके नाम बार देखा जा सके, पर स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो इनका एक ऑब्जेक्टिव था। तो हर बच्चे के नाम से उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता था इस योजना में। ये काम कैसे करते थे, ये उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे मैंने कहा कुछ स्वायत्त संस्थाएं, उन्होंने पहले प्रेरक दल स्थापित किए। वो प्रेरक दल गांव-गांव जाकर प्रेरणा देते थे बच्चों को, जो बच्चे विद्यालय से बाहर थे, बड़ों को जो साक्षर नहीं थे, घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को, ताकि वो अपनी बच्चियों को विद्यालय भेज सकें। तो प्रेरक दल रूपी एक व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था थी, इन्होंने भवन निर्माण समितियां बनाई, खासतौर पर उन जगहों पर जहां भवन नहीं थे विद्यालय के, उन गांवों में जहां पर विद्यालय भवन नहीं थे वहां विद्यालय भवन बनाए जाएं। तीसरा, फिर इन्होंने ग्राम शिक्षा समितियां बनाई। ग्राम शिक्षा समितियां डीपीईपी का देन नहीं है, डीपीईपी ने तो पूरे देश में उनको बनाया, बट उससे पहले ये प्रयोग प्रारंभ हो चुका था राजस्थान में। राजस्थान में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में हो, इसकी व्यवस्था लोक जुम्बिस परियोजना में की गई। साथ ही जैसा कि हम डीपीईपी और एसएसए में देखते हैं, सर्वशिक्षा अभियान में एक बड़ी योजना थी सीआरसी और बीआरसी की व्यवस्था, खंड स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था, लेकिन लोक जुम्बिस परियोजना में यह प्रयोग भी प्रारंभ किया जा चुका था स्थानीय स्तर पर कि खंड स्तरीय शिक्षा प्रबंधन समितियां बने, केवल ग्राम स्तर पर ही नहीं खंड स्तर पर भी बने। यह प्रयोग भी लोक जुम्बिस में हुआ और यह सफल प्रयोग हुआ, इसीलिए बाद की योजनाओं में इसको पूरे देश में लागू किया गया। साथ ही इन्होंने महिलाओं की भागीदारी न केवल विद्यार्थियों के रूप में बल्कि शिक्षकों के रूप में भी बढ़े, इसलिए अध्यापिका मंच जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। अच्छा। जिसमें अध्यापिकाएं आपस में चर्चा करती थी, आपस में बात करती थी कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, और ग्रामीण महिलाओं को उसमें भागीदार बनाते थे। मतलब ये अध्यापिकाओं और बच्चों के अभिभावकों का जी था जी जी, जहाँ ये अपने छात्रों के बारे में चर्चा करती थी। जी जी। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे और संस्थाएं भी बनाई, जैसे सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन्होंने प्रबंधन के लिए बहुस्तरीय प्रणाली विकसित की। गांव में ग्राम शिक्षा समिति बनाई, उसके बाद खंड स्तर पर
खंड प्रबंधन समिति बनाई, खंड स्तरीय प्रबंधन समिति, जिला स्तर पर समिति बनाई, राज्य स्तर पर समिति बनाई, और किसी के भी काम में ओवरलैपिंग नहीं थी, हरेक का कार्य बटा हुआ था और हरेक स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, इसकी व्यवस्था उसमें की गई। तो ये इनकी एक बड़ी फुल प्रूफ प्रणाली थी। साथ ही इन्होंने ये भी व्यवस्था रखी कि विभिन्न स्तरों पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, संकुल स्तर पर या राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, उनकी निरंतर पुनरावलोकन बैठकें होती रहें जी जी, ताकि वो रिव्यू करते रहें समय समय पर। अच्छा, एक बड़ा अच्छा ये काम करते थे इस योजना में, एक बड़ी अच्छी थी कि जब किसी विद्यालय में कोई नया बच्चा प्रवेश लेता था या इस योजना के माध्यम से अधिक बच्चे जब प्रवेश ले लेते थे किसी एक विद्यालय में, तो ये वहाँ प्रवेशोत्सव मनाते थे, प्रवेश का एक उत्सव मनाया जाता जी, था जी, जी। तो उससे उसको एक पॉजिटिव माहौल डेवलप होता था, सकारात्मक वातावरण विकसित होता था। उसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था लोक चुंबस में की गई। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि इस देश में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ मदरसे भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं देश की शिक्षा प्रणाली में। अच्छा, लोक जुम्बिस से मदरसों के साथ भी, मदरसों को भी मजबूत बनाने के लिए लोक जुम्बिस परियोजना में काम किया गया। अच्छा, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई और उनको जो भी सहायता प्रदान की जा सकती ताकि वो भी शिक्षा की मुख्य धारा का अंग बने, राजस्थान सरकार ने इसका भी प्रयास किया। साथ ही गाँव में जो सहज शिक्षा केंद्र स्थापित थे, जो कि बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, छोटे छोटे गाँव में बने हुए थे, उनका कोई प्रबंधन नहीं था, उनको देखता, उनका एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया, उनका संस्थानीकरण किया, उनको एक साथ एकत्र किया। एक और लोक जुम्बिस परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया गया, वो था बच्चों के स्वास्थ्य पर, और इन्होंने विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए। इसमें क्या करते थे वो? इसमें ये विद्यालयों में जाते थे, विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता था जी। उनको सलाह दी जाती थी, सरकार की डॉक्टर उसमें जाते थे, यदि उनको टीकाकरण की आवश्यकता है तो उनका टीकाकरण करते थे, टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, दवा देने की आवश्यकता है तो दवा देते थे। अच्छा। उद्देश्य ये था कि विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, यदि वो स्वस्थ होंगे तभी वो आगे पढ़ पाएंगे, आगे साथ ही जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के बड़े केंद्र थे इस देश में, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी केंद्रों को भी समर्थ करने का प्रयास और व्यवस्था लोक जुम्बिस प्रणाली में की गई। तो यदि हम लोक जुम्बिस का कार्य क्षेत्र देखें तो इन्होंने लगभग हर उस क्षेत्र में प्रयास किया जो क्षेत्र देश में या इनके राज्य में, यदि हम बात करें राजस्थान में, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकता था, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र था, चाहे वो विद्यालय था, चाहे वो सहज शिक्षा केंद्र था, चाहे वो मदरसे थे, सबको इन्होंने इम्प्रूव करने का काम किया। इसके साथ साथ जहाँ जनजातीय क्षेत्र थे उन बच्चों के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया गया। अच्छा, महिला प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए महिला शिक्षण विहार बनाए गए, साथ ही बालिकाओं के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए, उसको उन्होंने शिक्षण शिविर का नाम दिया, मुक्तांगन जैसी योजनाएं चलाई गई। तो कुल मिलाकर लोक जुम्बिस एक ऐसी विस्तृत परियोजना थी जिसको यदि हम प्लानिंग की दृष्टि से कहें, नियोजन की दृष्टि से कहें, तो एक बहुत अच्छी परियोजना थी। इसका मूल्यांकन तो बहुत से शोधार्थियों ने किया है और इस पर शोध होते रहते हैं, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते हमें लगता है कि भारत में चाहे वो जिला शिक्षा, जिला विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम DPEP जैसा प्रोग्राम रहा हो या सर्वशिक्षा अभियान रहा हो, उन अभियानों के आने से पहले इस देश में संगठनक रूप पर राज्य स्तर पर एक बड़ा प्रयोग लोक जुम्बिस का था। एक प्रयोग हमने साखरशाला का देखा था, लेकिन साखरशाला केवल एक क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक समस्या पर केंद्रित मैंने इसलिए उसका उदाहरण लिया, हमें देखना चाहिए कि जब भारत में योजना और परियोजनाएं बनती हैं तो कितने स्तरों पर बन सकती हैं। बिल्कुल, एक किसी एक समूह विशेष की समस्या को लेकर भी योजना बन सकती है, उसका एक अच्छा उदाहरण साखरशाला है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रबंधन की तमाम समस्याओं को समेकित रूप से समेटने के लिए लोक जुम्बिस जैसी परियोजनाएं भी काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार की परियोजनाएं जो हैं वो सदैव देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोक जुम्बिस ने जो काम किया 1992 से लेके और बाद के दिनों तक, एक और प्रयोग इस देश में हुआ, इस देश के एक राज्य में, और ये 1991 का था। वास्तव में बिहार शिक्षा परियोजना
जो है वो 1991 का प्रयोग। अच्छा, अच्छा। और उसमें भी ये सारी बातें शामिल थी, विशेष करके विशेष करके जो माइक्रो प्लानिंग का मामला था या VEC का मामला था, मतलब विलेज एजुकेशन कमेटी का, ग्राम शिक्षा समितियों का। जी। तो बिहार शिक्षा परियोजना ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया कि धीरे धीरे जो बिहार का समाज अपने को शिक्षा से अलग, मतलब शिक्षाई संस्थाओं से ये घोषित कर चुका था कि ये सरकारी संस्थाएं हैं। हाँ। बिहार में 2010-1980 के पहले सभी माध्यमिक विद्यालय समाज द्वारा संचालित थे और सन 1972 के पहले सभी प्राथमिक विद्यालय समाज द्वारा संचालित थे। और ये पुरानी प्रथा थी, सिर्फ याद करने की आवश्यकता है कि कैसे वुड्स ने 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की, कुछ हमको दिया, उसी को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते गए थे। लेकिन 1920वीं सदी का जो अंतिम दशक है वो एक बड़ी सीख हम लोगों को देता है, जहाँ शायद पहली बार हम लोग बहुत गंभीरता से इस देश की प्राथमिक शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। जी। मैं बार बार कहता हूँ कि आज़ादी के तुरंत बाद का जो हमारी की जो हमारी व्यग्रता थी वो इसमें भी दिखाई देती है कि हमने सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग बनाया। हाँ, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया। प्राथमिक शिक्षा पर तो हमने सबसे बाद में ध्यान दिया। और मुझे लगता है कि यही वो दौर है जब 91 में वहाँ शुरू हो रही है बिहार शिक्षा परियोजना, और 92 में लोक जुम्बिस, और 93 में यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आती है, बस्ते का बोझ का जो मामला है, और फिर 94 में DPEP शुरू हो जाता है। तो यह जो एक पूरा दशक है, 20वीं सदी का जो अंतिम दशक है, इस मामले में भी रेखांकन के योग्य है कि एक तरह से शिक्षा के लिए एक मतलब सचेत पहल जिसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, वो यहाँ से बहुत साफ साफ दिखाई देने लगता है और हर स्तर पर दिखाई देता है, हर लेवल पर दिखाई देता है। ऐसा ही एक प्रयोग शिक्षा कर्मी का भी था, जो राजस्थान से ही, और बाद में कई राज्यों ने इसको विभिन्न नामों में अपनाया, स्वीकार किया था। जी। शिक्षा कर्मी का प्रोजेक्ट जो था वो 1987 में शुरू हुआ, और इसके लिए भी सहयोग राजस्थान सरकार को स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने दिया। जी। ये बेस कार्यक्रम उन जगहों के लिए, उन विद्यालयों के लिए प्रारंभ किया गया था जिन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं था, या कम से कम एकल शिक्षक था, जो एकल शिक्षक विद्यालय थे। जी, जी। एक विद्यालय को चलाने के लिए केवल एक अध्यापक होना ये ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ अलग अलग कक्षाओं के बच्चे होते थे। तो इस योजना में ये प्रयास किया गया कि कम से कम वहाँ पर दो स्थानीय निवासी शिक्षा कर्मी के रूप में काम करेंगे और उस शिक्षक के साथ टोली बनाकर साथ उसका देंगे। अच्छा। स्थानीय व्यक्तियों को इसलिए रखा गया ताकि शिक्षक जो सुदूर क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं, वो स्थानीय लोग क्योंकि वहीं रहते हैं तो वो एक तो विद्यालय का खुलना सुनिश्चित कर सकेंगे, विद्यालय में रोज का नामांकन, रोज का बच्चों का आना सुनिश्चित कर सकेंगे, और विद्यालय में रोज पढ़ाई हो सकती है ये सुनिश्चित कर सकेंगे। एक बड़ी समस्या थी शैक्षिक योग्यताओं की, क्योंकि शिक्षक की एक निश्चित शैक्षिक योग्यता होती थी, प्राथमिक शिक्षक की आज भी होती है। चूंकि उतनी शैक्षिक योग्यता के लोग उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इस योजना में वहां थोड़ी ढील दे दी गई कि यदि शिक्षक की शिक्षक योग्यता के बराबर का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उससे कम शिक्षक शैक्षणिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी शिक्षा कर्मी के रूप में वहां आ सकता है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य सीधे सीधे पढ़ाना नहीं था, उसका मुख्य कार्य शैक्षिक कार्यों में शिक्षक की मदद करना था। बिल्कुल। मुख्यतः शिक्षा कर्मियों ने चार स्तरों पर काम किया। सबसे पहले ऐसे विद्यालय जो बंद विद्यालय थे, उन विद्यालयों के संचालन का काम केवल शिक्षा कर्मियों के हाथ में आया, जिनको दिवस केंद्रों या डे सेंटर्स के नाम से जाना गया, जहां पर शिक्षा कर्मी उन विद्यालयों को खोलते थे और वहां पढ़ाते थे। साथ ही ऐसे बच्चे जो दिवस विद्यालयों में नहीं जा सकते थे, कई जगह शिक्षा कर्मियों ने प्रहर पाठशालाओं का आयोजन किया। अच्छा। ये प्रहर पाठशालाएं रात्रिकालीन विद्यालय थे, और ये रात्रिकालीन विद्यालय में वो बच्चे आते थे जो बच्चे दिन में विद्यालय नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो कुछ आयु में बड़े थे या वो कुछ घर में अपने माता पिता का मदद करते थे या कोई और कार्य करते थे। साथ ही महिला शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने महिला प्रकाशन केंद्र बनाए, और एक और वर्ग जो शिक्षा से छूट रहा था, खासतौर पर जो अशक्त बच्चे थे, जो किसी प्रकार की अशक्तता से ग्रस्त थे, उन बच्चों को समेकित रूप से शामिल किया जाए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, तो समेकित उपागम भी इन्होंने काम किया। तो शिक्षा कर्मी योजना जो है उसने चार स्तरों पर काम किया। एक तो जहां बच्चे नहीं थे, इस योजना ने जहां अध्यापक नहीं थे वहां विद्यालयों का खुलना सुनिश्चित किया, जहां एक अध्यापक था वहां एक या दो शिक्षा कर्मियों ने उसकी मदद करना प्रारंभ किया, रात्रिकालीन विद्यालयों में बच्चों की मदद की, कुल मिलाकर प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, ये सरकार का उद्देश्य था। और बाद में इस प्रयोग को बहुत सारे राज्यों ने
विभिन्न नामों से स्वीकार किया। मैं इसी के क्रम में एक और योजना का जिक्र कर लेता हूँ। चलते चलते मैं चाहूँगा कि इससे जुड़ा हुआ जो एक और जुड़ी हुई एक और योजना थी शिक्षा मित्र की, उसके बारे में हमारे शिक्षार्थियों को। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के साथ साथ 2001 में ये योजना लागू हुई जी। और यदि हम उद्देश्य देखें तो दोनों का लगभग समान था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति थी कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जो खासतौर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जहां शिक्षकों की तैनाती एक बड़ी समस्या थी। या तो शिक्षक वहां तैनाती लेना नहीं चाहता था, शिक्षक तैनाती ले लेना था तो वहां जाना नहीं चाहता था, विद्यालय बंद पड़े थे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात बहुत ज्यादा था, राष्ट्रीय मानकों से बहुत अधिक था, और कई सारे परिषदीय विद्यालयों में केवल एक अध्यापक था। तो यह था कि कम से कम या तो दो अध्यापक हो जाएं, और यदि दो अध्यापक ना हो तो वहां एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि एक शिक्षक के साथ एक शिक्षा मित्र मिलकर उस विद्यालय के संचालन में मदद कर सके, जिससे कि शिक्षक छात्र अनुपात भी सुधर जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, इन्होंने ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बना दी, क्योंकि DPEP के बाद और सर्व शिक्षा अभियान के दौरान ग्राम शिक्षा समितियां प्रत्येक विद्यालय में बन चुकी थी। तो उन ग्राम शिक्षा समितियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक प्रदान करें, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात नीचे आ जाए, साथ ही स्थानीय युवाओं में अपने समुदाय के लिए कार्य करने का भाव विकसित हो, बिल्कुल सामुदायिक भागीदारी बढ़े, और ग्राम शिक्षा समितियां भी ये अनुभव करें कि उनके गांव की प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के प्रति उनकी अपनी जिम्मेदारी है जी। इसके जो कार्यकारी पक्ष थे उसमें पहला महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट को न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया जी। जो 12वीं पास है वो शिक्षा मित्र बन सकता है। ये शर्त थी कि शिक्षा मित्र उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय है जी। यदि उस गांव में कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो वो उस न्याय पंचायत के किसी और गांव का होना चाहिए जिस न्याय पंचायत में उसका अपना गांव आता है, यानी कि किसी पास के ही गांव का होना चाहिए। स्थानीय रहेगा तो विद्यालय खुलना सुनिश्चित करेगा और बच्चों का विद्यालय में आना सुनिश्चित होगा। एक और उत्तर प्रदेश की सरकार की इसमें अभिनव पहल ये थी कि उन्होंने ये तय किया कि शिक्षा मित्र योजना में कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। तो अध्यापक स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी 50% होगी, ये इस योजना की व्यवस्था थी। और कहा गया ग्राम शिक्षा समितियों को, क्योंकि ग्राम शिक्षा समितियां जो हैं वो अपने गांव में जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करे हुए बच्चे हैं उनका बायोडाटा इकट्ठा करेंगी और उनका एक मेरिट बनाएंगी, और मेरिट बना करके जो है वो तय करेंगी कि जो मेरिट में सबसे ऊपर आएगा उसको शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करेंगी। उसके बाद वो अपनी जिला योजना को, जिला अधिकारी को उसकी सूचना देंगी, फिर जो उसमें नियुक्त हो जाएगा उसको नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद उसको 30 दिन के प्रशिक्षण को जाना होगा, और 30 दिन के प्रशिक्षण के बाद वो विद्यालय में आकर शिक्षण करेगा। ग्राम शिक्षा समितियों को ये भी अधिकार था कि यदि कोई शिक्षा मित्र उनको लगता है कि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको हटा भी सकते हैं, या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अगले वर्ष पुनः नियुक्त भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये सारी योजनाएं, एक योजना है जो एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं से जुड़ी है जिसको हमने साखरशाला में देखा, एक योजना लोक जुम्बिस थी जो प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को कवर कर रही थी, और शिक्षा मित्र और शिक्षा कर्मी जैसी योजनाएं जो शिक्षक की कमी से संबंधित समस्याएं थी उनको दूर करने जैसी परियोजनाएं थी। तो इस देश में शिक्षा में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, और मुझे लगता है कि हमारे शिक्षार्थी जब अपने राज्य का अध्ययन करेंगे और अनुभव करेंगे तो वो भी ये देखें कि उनके राज्य में ऐसी कौन सी योजना थी जो चलती थी, उसके क्या उद्देश्य थे, उन्होंने उसकी राज्य की प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में क्या योगदान दिया। बहुत अच्छा गौरव जी, अपने शिक्षार्थियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार जी। और शिक्षार्थियों से आग्रह है कि जैसा आग्रह किया गौरव जी ने भी आप सबसे, कि आप अपने आसपास भी देखें कि क्या इस तरह की कोई योजना परियोजना आसपास कुछ दिनों पहले आपके राज्य में या आपके जिले में चली जिसने वहाँ की प्राथमिक शिक्षा पर कोई प्रभाव डाला, और आज उस प्रभाव के कारण हमारे विद्यालयों में किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है। हमारे शिक्षार्थियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुँचा पाया। धन्यवाद। उम्मीद है कि विद्यार्थी इससे कुछ सीखेंगे और अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य की योजनाओं को देखेंगे, समझेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। जरूर, धन्यवाद। नमस्कार।